जय हिंद दोस्तों। सेना की तरफ से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में एक और बड़ा रिक्रूटमेंट आप सभी के लिए आ चुका है। ऑल ओवर इंडिया 354 पदों पर यह रिक्रूटमेंट निकला है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। ऑफलाइन आपको अप्लाई करना होगा दोस्तों। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, सभी कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि इस रिक्रूटमेंट को लेकर अलग अलग आपकी वैकेंसीज कितनी है, साथ ही दोस्तों इस रिक्रूटमेंट में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, साथ ही ऑफलाइन फॉर्म आपको कहां से डाउनलोड करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए रिक्वायरमेंट होंगे। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला है। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, तभी जाके आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ में आने वाली है। और चैनल पे पहली बार आए हो और हर लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने ओपन कर लिया। बिल्कुल साफ साफ लिखा मिलेगा आपको भारत सरकार रक्षा मंत्रालय सीमा सड़क संगठन। और ये आपकी जो वैकेंसी आई है, एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आप यहां पर देख सकते हो, विज्ञापन संख्या आपकी 2/2021 है। और यहां पर आपके लिए जो दोस्तों फॉर्म है वो ऑफलाइन भरे जाएंगे। और खास बात यह है कि दोस्तों ऑल ओवर इंडिया ये कैंडिडेटों के लिए वैकेंसी निकली है। अलग अलग अगर वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों यहां पर आप देख ले बहुकुशल कर्मकार, इनकी आपके टोटल 33 वैकेंसी है। बिल्कुल टोटल 33 वैकेंसी इनकी है। जबकि अगर बात करें भोजनशाला में जो कैंडिडेट लगने वाले बहुकुशल जो कर्मचारी है उनकी वैकेंसी आई है। और यहाँ पर दोस्तों उनकी वैकेंसी एक वैकेंसी और यहाँ पर कुल 12 वैकेंसी है। जबकि अगर आप गाड़ी मैकेनिकल के लिए जा रहे हैं तो आपकी वैकेंसी है वो है दोस्तों 293 वैकेंसी, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। उसके अलावा दोस्तों चालक यांत्रिक परिवहन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी 16 वैकेंसी है और टोटल आपकी जो वैकेंसी रहेगी यहाँ पर 354 वैकेंसी है। अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेटों की 136 वैकेंसी है। उसके अलावा अनुसूचित जाति के जो कैंडिडेट है, एससी वाले कैंडिडेट है, उनके लिए 61 वैकेंसी है, जबकि एसटी के लिए 37 वैकेंसी है और ओबीसी वाले कैंडिडेटों के लिए 86 वैकेंसी है। तो वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। बिल्कुल दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी बात है कि रिक्रूटमेंट बीआरओ के थ्रू आ चुका है, जिसका काफ़ी इंतजार आपको हो रहा था। और यहाँ पर आप पूरी वैकेंसी अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ से आप इसे ऑफलाइन फॉर्म आपको भरना होगा और ऑफलाइन फॉर्म का पूरा परफॉर्म है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां जाके आप इस पूरे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसका प्रिंट निकलवा के। अब मैं आपको बता दूं कौन कौन इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि केवल और केवल मेल कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा दोस्तों यहां पर आप देख लीजिएगा सेंटर फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और रिटर्न टेस्ट, ये सारे आपके होंगे। ये होंगे दोस्तों अलंडी रोड है, जो पुणे में आपका बीआरओ का जो सेंटर है, ग्रिप का जो सेंटर है, वहाँ पर आपका ये पूरा प्रोसेस होने वाला है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसी एड्रेस पे आपको पूरा फॉर्म आपको भेजना होगा, जो कि एड्रेस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, कमांडेंट ग्रिप सेंटर डीजी कैंप पुणे। यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा ही आपको ये भेजना होगा। उसके अलावा एज ऑन द क्लोजिंग डेट सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लास्ट डेट से पहले पहले अप्लाई करना होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों यहाँ पर कि जो आपकी एज की एज क्राइटेरिया रहेगा वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप मल्टी स्किल्ड वर्कर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 18 से लेकर 25 साल होनी चाहिए। अगर आप एस सी एस टी कैंडिडेट है तो इस रिक्रूटमेंट के लिए 30 साल तक, जबकि ओबीसी वाले 28 साल तक भी इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप मल्टी स्किल्ड वर्कर मेस वेटर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपका एज क्राइटेरिया सेम रहेगा, वो 18 से 25 साल। एस सी एस टी को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की आयु में छूट मिलने वाली है। अगर दोस्तों आप व्हीकल मैकेनिकल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए। एस सी एस टी वाले 32 साल तक, जबकि ओबीसी वाले 30 साल तक इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज भी वही 18 से लेकर 27 साल तक होनी चाहिए, मतलब एज में भी आपको काफ़ी ज़्यादा छूट दी जाएगी। अब बात आती है दोस्तों आपका एडवर्टाइजमेंट आ चुका है और 45 दिन के अंदर अंदर आपको इस फॉर्म को भर के भेजना होगा। तो बिल्कुल दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे करें, तो बिल्कुल दोस्तों मैं पूरा फॉर्म आपको प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिएगा ये मल्टी स्किल्ड वर्कर आपका जो कि बीआरओ में वैकेंसी है उसका पूरा फॉर्म है A4 साइज में, जो मैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, जहां जाके आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो और इसका प्रिंट निकलवा कर इसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि दोस्तों कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है और क्या क्या चीजें को सावधानी आपको रखनी होगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ में लगाने होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।